उसकी पति की दूसरी शादी करा दी जाए। गाँव में भी इन्होंने क्या रखा है कि दूसरी लड़की ढूंढिए। मेरे मामा ससुर भी लड़की के रिलेशंस बता रहे हैं, ससुर गांव में कह रहे हैं गांव में होती तो अभी तक तो निपटा देता, शहर में इस वजह से मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूं। एक बार ये अब मेरी जान को भी खतरा है, वहां पर कह रहे हैं कि अगर ये एक बार आ जाएगी तो, अगर ये एक बार आ जाएगी तो मैं बताऊंगा, इसको ऐसी जगह मारूंगी दिखा भी नहीं पाएगी। ये घटना तब से चली रही है, फरवरी के बाद 18 तारीख के बाद मेरे पिता ने कई बार कोशिश करी सबसे बात करने की, कोई बात नहीं, बात करके चीजें सॉल्व कर ली जाए, लेकिन कोई किसी भी तरह की सुनवाई नहीं हो रही है। 23 मार्च को थाना सेन पश्चिम पारा में एप्लीकेशन भी लगाई सर, वहां पुलिस थाने में पुलिस से बात करी। 23 तारीख से 30 तारीख तक लगातार पुलिस थाने के चक्कर लगा रही हूं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। 1 अप्रैल को कमिश्नर ऑफिस भी गई थी, वहां पर भी रिपोर्ट, वहां से फिर से थाना आई है, लेकिन थाने में कोई सुनवाई नहीं हो रही। आज 1 तारीख से 14 तारीख हो गई है, और इस बीच मैंने जन सुनवाई केंद्र में भी, ये जो कि श्री योगी आदित्यनाथ जी का पोर्टल है, उसमें भी एप्लीकेशन डाली थी, लेकिन फिर भी कोई नहीं सुनवाई हो रही है। मैं बार बार रिक्वेस्ट कर रही हूं, किसी भी तरह की कोई सुनवाई नहीं हो रही है। मैं थक गई हूं। अब ससुराल वाले ये कह रहे हैं कि मेरे पास तो इतने रुपए, अब तो मैं थाना खरीद दूंगा, किसी तरह FIR नहीं होने दूंगा। एक महिला की सुनवाई नहीं होगी क्या? मैं कितनी रिक्वेस्ट करूं सभी से, मैं कब से सबसे कह रही हूं कि मेरी FIR दर्ज करा लीजिए। माननीय योगी आदित्यनाथ जी से रिक्वेस्ट है कि मेरी FIR दर्ज करें, नहीं तो मैं आत्महत्या कर लूंगी। बस यही कहना है।